ललितपुर जिले के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला से कारीसा संपर्क मार्ग की पुलिया पिछले 2 माह पहले अधिक बारिश होने के कारण टूट गई है, जिससे यहां पर रहने वाले निर्भय सिंह सहित 1500 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी है? पुलिया में मटेरियल खराब लगने के कारण थोड़ी बूंद बारिश हुई, अब पुलिया धराशाही हो गई। ना इसकी नी भरी, ना पिचिंग लगे, ना नीचे सिल्फ ढारू। परेशानी तो सुबह सुबह सबसे बड़ी है सोच की परेशानी, तो बूढ़ी महिला, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सब सोच कर बिगड़ना खेतन पर जात। और जब खेतन पर जाओ तो ऐसी पुलिया पे हो जे रास्ता खराब होगी, मैं गिरे तो करो एक तो डूबे के मर जाए, अगर कोनो गिरो फिसलो महिलाएं तो हाथ पाँव, वैसी बूढ़ी वैसे हाथ पाँव टूट जाए तो फिसलवे को सबसे ज़्यादा डर है। और खेती बाड़ी काम है, अब खेती पर जाना तो सुबह से चारों काट भी जाना, घास काट भी जाना, अपने निराई गोड़ाई कर भी जाना, महिलाओं को विशेष कर जाना। अगर ऐसी स्थिति में महिलाएं यहाँ से निकली, थोड़ी चप्पल में माटी लगी और गिरी, धराशाही होगी। हम चाहते हो कि अच्छी से अच्छी पुलिया बन जाए और जी में सुविधा हो जाए गाँव भर के लाने। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में अधिक वर्षा होने के कारण पुलिया टूट चुकी थी, जिस पर मैंने 8 माह पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। आप जैसे मीडिया प्रभारी वहाँ पर पहुँचे, जब आप लोगों ने उसकी फोटोग्राफी की और ये फोटोग्राफी काफ़ी दिखाई गई, तब इसकी गांव में चर्चा हुई कि फोटोग्राफी जो हुई है पुलिया टूटने के कारण से इसकी समस्या का समाधान निकाला जाए। तभी गांव में एक बैठक हुई, गांव में पंचायत हुई, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा और सेक्रेटरी महोदय को इस बात के लिए अवगत कराया गया कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी, इसका निर्माण कराया जाए। तब ग्राम प्रधान द्वारा इस पुलिया का निर्माण कराया गया। पुलिया के बनने से कितने लोगों को फायदा है? कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को काफ़ी फायदा हुई है इससे। कम से कम 6 किलोमीटर का चक्कर दूरी है थी, जो कम से कम आधा किलोमीटर में तय हो जाती है वो दूरी। प्रत्येक किसान का 6 किलोमीटर का चक्कर आने जाने से बचा है और काफ़ी डीजल की बचत हुई है। अगर जो वाहन नहीं पहुँच पाते तो वो किसान अपनी खेती सुचारू रूप से कर पाए हैं और वाहन सीधे आने जाने में सुविधा हो गई है। हम आपको और आपकी संस्था को, अब हम और ग्रामवासियों की तरफ से काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी समस्या का समाधान कराया आप लोगों ने, उसका हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।